आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल के चर्चित कोयला कारोबारी राजू झा हत्याकांड की जांच पूर्व बर्दवान पुलिस द्वारा गठित विशेष सीट ही करेगी। कोलकाता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के प्रधान विचारपति टीएस शिवगननम ने सिंगल बेंच के सीबीआई जांच के आदेश को खारिज कर दिया है। सिंगल बेंच के जज राजशेखर मंथा ने 14 जून को राजू झा हत्याकांड जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी थी। आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल के चर्चित कोयला कारोबारी राजू झा हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने के आदेश को कोलकाता हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के प्रधान विचारपति ने किया रद्द। गुरुवार को ये आदेश कोलकाता हाई कोर्ट के प्रधान विचारपति टीएस शिवगननम ने दिया। विचारपति टीएस शिवगननम ने कोलकाता हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जज राजशेखर मंथा के सीबीआई जांच के आदेश को खारिज करते हुए पुनः जांच की जिम्मेदारी पूर्व बर्दवान जिला पुलिस को सौंपी है। राजू झा हत्याकांड की जांच पूर्व बर्दवान जिला पुलिस द्वारा गठित विशेष सीट कर रही थी, परंतु कलकत्ता हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में एक मामला दायर हुआ जिसमें जांच कराने की मांग सीबीआई से की गई थी। न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने 14 जून को एक आदेश जारी किया था जिसमें राजू झा हत्याकांड की जांच पूर्व बर्दवान जिला पुलिस की स्पेशल सीट की जगह सीबीआई से कराने के आदेश दिए गए थे। कोलकाता हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जज राजशेखर मंथा के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में मामला किया था। उल्लेखनीय है कि गत 1 अप्रैल की रात राजू झा अपने फॉर्चुनर वाहन से कोलकाता जा रहे थे। इनके साथ अब्दुल लतीफ एवं प्रतीन मुखर्जी भी बैठे हुए थे। जाने के क्रम में शक्तिगढ़ स्थित नेशनल हाईवे के किनारे रात के 8 बजे आदि लेंचा दुकान के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर गाड़ी में ही प्रतीन मुखर्जी के साथ वे बैठे हुए थे। तभी अचानक राजू झा पर एक के बाद एक गोलियां चलाई गई थी जिससे घटनास्थल पर ही राजू झा की मौत हो गई थी। मामले की तहकीकात के लिए पूर्व बर्दवान जिला पुलिस के साथ साथ आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने भी अलग सीट गठित की थी। पूर्व बर्दवान जिले के पुलिस एवं आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट राजू झा की हत्याकांड से जुड़े मामले की तहकीकात शुरू कर दी थी। राजू झा हत्याकांड में 19 दिनों बाद अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जिस गाड़ी से शूटर आए थे उस गाड़ी के मालिक इंद्रजीत गिरी व लाल बाबू कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। राज्य सरकार के वकीलों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राजू झा हत्याकांड की जांच के लिए सीट का गठन किया गया है और जांच की प्रक्रिया खत्म होने की ओर है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ऐसी अवस्था में अगर जाँच की जिम्मेदारी अन्य एजेंसी को दी जाती है तो जाँच की प्रक्रिया प्रभावित होगी। राज्य सरकार की वकीलों के दिए गए तर्कों तथ्यों के आधार पर सीबीआई जांच पर रोक लगाते हुए पुनः पूर्व बर्दवान जिला पुलिस द्वारा गठित सीट को ही राजू झा हत्याकांड की जांच खत्म करने के आदेश कोलकाता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के विचारपति टीएस शिवगननम ने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्टाइल होम फर्नीचर, फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहां मिलेगा लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।